बच्चों, अभी तक तो हमने पीटी वन का कोर्स सारा कर लिया था। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी रीडर का पार्ट पांच सभा का खेल स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके कठिन शब्द सभा, लंगोटी, भाषण, लाठियां, प्रारंभ, खद्दर, शुद्ध, हिंदू, मुस्लिम और झूठ मूठ। और इसके शब्दार्थ देखिए, सभा समान विचारधारा के लोगों का किसी उद्देश्य हेतु एकत्र होना, गमछा साधारण तौलिया, पेटी संदूक, प्रारंभ शुरू, मेल एकता, शुद्ध बिना किसी मिलावट के, देशी देश में बनाई हुई कोई चीज अपने जो देश में बनती है, ये इसके शब्दार्थ है। अब देखिए सभा सभा का खेल आज खेलेंगे, जी जी आओ, मैं गांधी जी छोटे नेहरू तुम सरोजनी बन जाओ, मेरा तो बस काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा, लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। इसमें बच्चे आपस में खेल रहे हैं, सभा सभा का खेल खेल रहे हैं, तो बोलते हैं कि जीजी आओ, मैं तो गांधी जी बनूंगा और छोटे जो नेहरू बनेगा और तुम दीदी सरोजनी नायडू बन जाना, मेरा तो बस काम है लंगोटी बांधना और गमछे से ही चल जाएगा, क्योंकि गांधी जी लंगोटी और गमछा ही तो बांधते थे, तो मेरे को तो बस एक गमछा या लंगोटी ही चाहिए, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा, पेटी में भी कोई खद्दर का खादी का कुर्ता है, वो भी छोटे नेहरू जी बनेगा ये कुर्ता ले आएगा, लेकिन जीजी तुम्हें तो चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, क्योंकि सरोजनी नायडू साड़ी पहनती, तो जीजी तुम्हें तो एक बहुत बढ़िया साड़ी चाहिए, तो तुम माँ से ले लेना, आज सभा होगी भारी। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले, छोटे बोला देखो भैया मैं तो मारना खाऊंगा, मुझको मारा अगर किसी ने मैं भी मार लगाऊंगा। अर्थात कि मोहन लल्ली जो इनके दोस्त है वो तो पुलिस बनेंगे और हम भाषण करने वाले बनेंगे, मैं तो हमारे ऊपर लाठियां चलाएंगे और हम तो घायल और मरने वाले रहेंगे, छोटे बोला देखो भैया मैं तो मारना खाऊंगा, मैं किससे मार नहीं खाने वाला हूँ, मुझको मारा अगर किसी ने तो मैं भी मार लगाऊंगा। कहा बड़े ने छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे, खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी अब तुम हो जाओ तैयार। अर्थात कहा बड़े ने छोटे जब तुम कि जब तुम नेहरू जी बन जाओगे छोटे, तो गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मारने खाओगे, गांधी जी बोलेंगे कि भाई अंग्रेज ऐसे बोल रहे हैं हमारे पीछे पड़ गए मार खाने के लिए, तुम मार नहीं खाओगे, खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, खेल खेल में तो झूठ मूठ की मारेंगे अपन, चोट न आएगी नेहरू जी अब तुम हो जाओ तैयार, नेहरू जी भाई तुम्हें चोट नहीं आएगी, तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट देखिए, हुई सभा प्रारंभ कहाँ गांधी जी ने चरखा चलवाओ, नेहरू जी भी बोले भाई खद्दर पहनो और पहनाओ, उठकर फिर देवी सरोजनी धीरे से बोली बहनों हिंदू मुस्लिम मेल पढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो, छोड़ सभी विदेशी चीजें लो देशी सुई धागा, इतने में लौटे काका जी नेहरू सीट छोड़कर भागा। सभा प्रारंभ हो गई और गांधी जी ने बोला कि चरखा चलवाओ और नेहरू जी बोले खद्दर पहनो और पहनो खादी पहनो, फिर उठकर देवी सरोजनी नायडू बोली धीरे से बोली बहनो हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, आपस में मेल बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ रहो, सभी शुद्ध खद्दर पहनो, खादी के वस्त्र पहनो सभी, छोड़ सभी विदेशी चीज़ और हमें सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर देना चाहिए और अपने जो देश में बने हुए हैं सुई धागा उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इतने में लौटे काका जी, इतने में बच्चे खेल रहे थे जो उनके काका जी आ गए, नेहरू सीट छोड़ के भागा, जो छोटा नेहरू जी बना था वो सीट छोड़ कर भाग गया,
काका आए काका आए, चलो सिनेमा जाएंगे, घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। जी जी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना, आओ खेल बहुत अच्छा है, फिर सरोजनी बन जाना। चलो चले अब जरा देर को घोरी दीक्षित बन जाए, उछले कूदे धूम मचाए, मोटर गाड़ी दौड़ाए। इतने में काका आ गए तो बच्चे चिल्लाए काका आए चलो सिनेमा चले देखने, घोरी दीक्षित नाम का कोई था उसको देखेंगे, वहाँ पे केक खाएंगे मिठाई खाएंगे। जी जी चलो सभा फिर होगी, अभी तो सिनेमा जाना है ना, सभा तो बाद में भी कर लेंगे, आओ खेल बहुत अच्छा है, फिर सरोजनी बन जाना। चलो सरोजनी तो तुम बाद में बन सकती हो, चलो चले अब देर हो गई है, अब घोरी दीक्षित भी बन जाते हैं, उछले कूदे धूम मचाए, मोटर गाड़ी दौड़ाए, मोटर गाड़ी में फिल्म और सिनेमा देखने चलते हैं। तो बच्चों आपको ये लेसन तो समझ में आ ही गया होगा, अब इसको आप अपने बुक में किताब में पढ़कर और इसको समझना। ओके धन्यवाद, बाय बाय।